कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अवधारणाओं में पहली अवधारणा है न्याय। न्याय की जब हम बात करते हैं, न्याय की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, तो न्याय का अर्थ हम सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से बर्ताव करने को, सभी व्यक्तियों के साथ समकक्ष रूप से बर्ताव करने को हम न्याय की संज्ञा देते हैं या न्याय के रूप में परिभाषित करने का कार्य करते हैं। पश्चिमी विचारधारा, न्याय की पश्चिमी जो विचारधारा है वो कहती है कि न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का अर्थ है न्यायपरायण व्यक्ति, सच्चरित्र वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति को सच्चरित्र का पालन करना चाहिए, सही प्रकार से पालन करना चाहिए, वही क्या है न्याय। भारतीय विचारधारा जो है न्याय की, उसमें न्याय में धर्म को प्रमुखता से स्थान देने का कार्य किया गया है। उन व्यक्ति के लिए बताया गया है कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, यही क्या है न्याय। इसके साथ साथ जब हम आगे अध्ययन करते हैं, प्रमुख विद्वान जो हुए, प्लेटो हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, थॉमस एक्विनास हुए हैं, होम हुए हैं, उन्होंने न्याय की अलग अलग विचारधारा देने का कार्य किया। सबसे पहले है प्लेटो की न्याय संबंधी विचारधारा। प्लेटो ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और व्यक्ति को किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है जो अपना निश्चित कार्य करता है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके साथ साथ मानवीय आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तीन जो मानवीय आत्मा के गुण हैं, उनमें पहला जो गुण है बुद्धि, शासक वर्ग में बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो शासक वर्ग है और वो ठीक प्रकार से उसको शासन करना चाहिए। दूसरा सैनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग में शौर्य की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो सुरक्षा का कार्य करते हैं। तीसरा जो है उत्पादक या सहायक वर्ग होता है, इसमें तृष्णा ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और व्यक्ति को अपने कार्य से दूर नहीं रखना चाहिए और दूसरे कार्य में दखल नहीं देना चाहिए, यही प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा है। आगे हम अध्ययन करते हैं अरस्तु के अनुसार न्याय। अरस्तु कहते हैं न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, पद प्रतिष्ठा व धन संपदा का विवरण, अंक गणितीय पद प्रतिष्ठा व धन संपदा का वितरण अंग गणितीय अनुपात से नहीं, लेकिन अनुपात में होना चाहिए। अरस्तु ये कहते हैं कि पद प्रतिष्ठा हो या धन संपदा हो, उसका वितरण अंग गणितीय आधार पर सबको बराबर नहीं, रेखा गणितीय आधार पर होना चाहिए। जिसमें योग्यता है उसको पद प्रतिष्ठा या धन मिलना चाहिए और जिसमें योग्यता नहीं है उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अरस्तु ने वितरणात्मक जो न्याय है उसको परिभाषित करने का कार्य किया है। अरस्तु ये कहते हैं कि उन्हीं लोगों को शासन की भागदौड़ सौंपी जानी चाहिए जिन लोगों में शासन को चलाने की योग्यता है, उन्हीं लोगों के हाथ में शासन की भागदौड़ सौंपी जानी चाहिए जिससे वो ठीक प्रकार से शासन कर सके और जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का कार्य कर सके। दूसरा अरस्तु कहते हैं सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय में अरस्तु ने यह परिभाषित करने का कार्य किया है कि जो व्यक्ति जो है वो इस प्रकार का कार्य करे, अपने अधिकारों की रक्षा तो करे लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन करने का कार्य नहीं करे। यदि किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के अधिकारों में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो न्याय यह कहता है कि उसकी बाधा को राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यही अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय। अब इसमें एक प्रश्न करना है सभी भाइयों को गृह कार्य में, प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को समझाइए। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या है, यह प्रश्न सभी महीने अपनी कॉपी में करेंगे।